नमस्कार दोस्तों, मैं टेक्निकल सोनू लेके आया हूँ अपनी नई वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे सस्पेंशन सिस्टम के बारे में कि गाड़ियों में सस्पेंशन सिस्टम क्यों यूज़ किया जाता है और कितने प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम होते हैं। और ये DTC की इलेक्ट्रिक बस है, जीरो पोल्यूशन की, और अभी ये गाड़ी चार्जिंग पर लगी हुई है। और मैं बताऊँगा इसमें कौन सा सस्पेंशन सिस्टम इस्तेमाल किया गया है और सस्पेंशन सिस्टम का जो पर्पस है उसके बारे में बात करते हैं कि सस्पेंशन सिस्टम गाड़ियों में क्यों लगाया जाता है। सस्पेंशन सिस्टम गाड़ियों में यात्रियों की सुविधा के लिए, जो कि जो ब्रेकर होते हैं, गड्ढे होते हैं ऊंचे नीचे, उन पर उन्हें सवारियों को आराम रहे, सस्पेंशन सिस्टम से ये फ़ायदा है। और गाड़ी की सेफ्टी रहती है, नट बोल्ट्स जो होते हैं, पार्ट्स लगे होते हैं गाड़ियों में, उनको नुकसान नहीं पहुँचता, कम से कम नुकसान पहुँचता है सस्पेंशन सिस्टम से। चार प्रकार के सस्पेंशन सिस्टम यूज़ किए जाते हैं गाड़ियों में। और पहले सस्पेंशन सिस्टम आपने देखा होगा कि लीफ स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन सिस्टम गाड़ियों में ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा था, मगर अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो एयर सस्पेंशन सिस्टम है। सभी गाड़ियों में ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगी। पहले लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम लगाया जाता था, जिससे गाड़ियों में जो पार्ट्स थे उनके जल्दी ख़राब हो जाते थे और गाड़ी को नुकसान होता था। और क्योंकि ये जो सस्पेंशन सिस्टम है वो अब पुराना हो चुका है, और अब ज़्यादातर मोस्टली स्प्रिंग टाइप वाला सस्पेंशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा सभी गाड़ियों में, बसों में, ट्रकों में, यही सस्पेंशन सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि ये गाड़ी के लिए भी आरामदायक है, पार्ट्स को कम नुकसान पहुँचाता है, और सवारी सामान के लिए भी ये अच्छा सिस्टम है यूज़ करने के लिए। आपने देखा ये फ्रंट एक्सल है, फ्रंट एक्सल में आप देखेंगे कि एक शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है, जो बेलो को, स्प्रिंग बेलो टाइप जो बेलो है उसको पूरा नहीं खुलने देता, अगर ज़्यादा वो खुलेगा उसकी हाइट से के अकॉर्डिंग तो वो बेलो निकल जाता है, इसलिए शॉक एब्जॉर्बर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और एक आप देखेंगे कि इसमें एक लेवलिंग वॉल्व लगा हुआ है, इसमें प्रेशर के दो पाइप लगे होते हैं, एक इनलेट और एक आउटलेट का। इनलेट से प्रेशर आता है लेवलिंग वाल्व में, और आउटलेट से जो स्प्रिंग बेलो टाइप है उसमें प्रेशर जाता है। यही सिस्टम हमारा इन गाड़ियों में, इलेक्ट्रिक बसों में यूज़ किया गया है, लो फ्लोर जो DTC की इलेक्ट्रिक बसें हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक सीधे चलते हैं गाड़ी के पास और देखेंगे कि कौन सा सिस्टम है। ये देखिए, ये इसका स्प्रिंग बेलो लगा हुआ है, इसके साथ ही शॉक एब्जॉर्बर लग रहा है, और ये इसका लेवलिंग वॉल्व है, वॉल्व में प्रेशर का पाइप आ रहा है, और 90 एंगल पर इसमें एक पत्ती लग रही है जिसे इसकी सस्पेंशन रॉड बोलते हैं, और ये एक तरफ चेसिस में लगी होती है और एक तरफ लेवलिंग वॉल पे लगी होती है। इसमें नीचे आप देखेंगे कि सस्पेंशन सिस्टम जो है लीफ स्प्रिंग वाला कम बेहतर है, इसके मुकाबले हमारा जो स्प्रिंग बेलो टाइप सस्पेंशन सिस्टम है ये अच्छा होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।